यह शांति प्रिया रे, जिन्होंने ढेर सारी हिंदी, तमिल, तेलुगु और ढेर सारी भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। अगर आप 90s की मूवीज के फैन हैं, तो शांति प्रिया का चेहरा आपको याद होगा। ये वही हीरोइन है जिसके साथ अक्षय कुमार ने फिल्म सौगंध में अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा शांति प्रिया ने ढेर सारी फिल्में और टीवी सीरियल्स में काम किया है। आज पूरे 25 से 30 साल बीत चुके हैं और शांति प्रिया मुंबई में रहती हैं। ये सीरियल माता की चौकी की माता भी रह चुकी हैं और अभी भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी 25 साल पहले थी। इनका ये फूल और अंगारे का ये सुपरहिट गाना आज भी ये उसी अंदाज में करती हैं जैसे 25 साल पहले। तो शांति प्रिया रियल लाइफ में कैसी हैं, कैसी चल रही है आजकल उनकी लाइफ, क्या कर रही हैं इतने सारे फिल्मों और सीरियल्स के बाद आजकल शांति प्रिया, कैसे रखती हैं अपने घर का ख्याल, अपनी फैमिली का ख्याल, पर ये सब जानने के लिए हमें शांति प्रिया के खूबसूरत मुंबई वाले घर में चलना होगा और देखनी होगी उनकी लाइफ। शांति प्रिया रहती है मुंबई के पेडर रोड इलाके पे, जहाँ पर लता मंगेशकर का फेमस घर भी है। घर बेहद खूबसूरती से सजा हुआ है, घर की हर चीज को शांति प्रिया ने वो अपने हाथों से सजाया है। तो चलिए चलते हैं 90s की मशहूर हीरोइन शांति प्रिया के घर पर, बजाते हैं उनके घर की घंटी और उन्हें कहते हैं हेलो। हेलो डैनी, कम सबका दिल चुराने के बाद अब वो एक बार फिर हाजिर है सबका दिल फिलहाल और चुराने के लिए। शांति प्रिया इज हियर। हाय एवरीवन, हाय नूपुर। सास बहू बेटी आपके घर आया है और हमने सोचा है कुछ कोई और घर की भी बातें चल रही है यहाँ पर। कौन सा घर के बारे में बात कर रहे हैं आप? थोड़ा बड़ा है, और भी बड़ा है ये। और चलिए जब जाएंगे तब बताऊंगी जरूर आपको। पहले आपका ये घर देखते हैं, बाद में जो खबरें हैं वो तो हम उस पर बात करेंगे। और तो हैंड ओवर टू यू, सबसे मिलवा दीजिए। यस ओके, हाय निपुर, दिस इज शांति प्रिया एंड दिस इज माय स्वीट व्हाट यू से स्वीट होम, या आई कॉल इट होम। एंड आई एम, मैं इधर 28 इयर्स से हूँ। सो एंड दिस इज माय डैनी बॉय, ही इज माय फर्स्ट बॉय। शांति प्रिया ने 90s की कई फिल्मों में काम किया। इनकी बहन भानुप्रिया भी हिंदी और तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री थी। फिल्मों के बाद शांति प्रिया ने अभिनेता सिद्धार्थ रे से शादी की, जिन्हें आपने फिल्म बाजीगर में देखा था और वो मशहूर फिल्मकार वी शांताराम के पोते थे। इसीलिए शांति प्रिया शादी के बाद बन गई शांति प्रिया रे। शांति प्रिया के घर पर वी शांताराम, उनके पति सिद्धार्थ और पूरी फैमिली की झलक नजर आती है। एक से एक नायाब चीजें जो करीब 75 साल से भी पुरानी है, फिर चाहे वो घर की घड़ी हो या घर की छोटी छोटी चीजें जो शांति प्रिया ने हमें दिखाई। Another interesting picture. This is just after my marriage. My brother-in-law was getting married, and this is being done in Rajkamal Studios. The reception was there, and I was pregnant with my first son. So that is how I'm little Gabbu. So this is one picture, and this is another interesting one. When I just started my career, this is for Lux. I have done. So okay. This is for the Lux and ये कौन सा year की बात है? It must be 89, yeah, 88, 89. And the makeup is done by Mickey and photographed by Gautam. So yes. Yes. And then comes, let me, yeah, these are my, this is my younger one. And this is my younger one again, and this is my elder one. वो अभी आपको introduce करवाएंगे, वो लोग तैयार हो रहे, थोड़ा nervous हो गए। This is very unique. This is actually a clock. Yeah, it's a clock, and we converted as a piece door because this is the clock of hands. You know, the small and big hand ka clock actually. So isko convert kiya hai, and this is almost 75 years old. This piece is almost 75 years.
या मतलब पापा भी शांताराम जी का टाइम से ये है. सो दिस पीस एक्चुअली एंड द रेस्ट इज ऑल चेंज किया है टाइम के हिसाब से हम लोग ने चेंज किया है. या दिस इज देयर दुर्गा माँ इज बिकॉज माई मदर इन लॉ इज मैरिड. यस ऑफकोर्स माई मदर इन लॉ इज अ महाराष्ट्रन वी शांताराम्स डॉटर. But my mother-in-law is married a Bengali, so that's why I'm being called Ray, Shanti Priya Ray, my surname is, and Bengali and Durgama, so it's all connected. Telugu, Andhra Pradesh, Rajahmundry, but brought up education and all from Chennai, Tamil Nadu, and married in a Maharashtra and Bengali family. So actually four languages. And here my mother-in-law, Mr. Vishantaram's daughter, and my elder one, my younger one, and this is my brother-in-law's daughter, Shriya, and this is Papa. So this is a small family. And then yes, this is again Mr. Kiran Vishantaram. Unka 75th birthday anniversary Panala mein kiya tha. Unka wo shaadi ka hum log ne celebrate karne ke time. Yes. Yeah. This is the typical traditional South Indian mix. All this. Ye hum log ne cottage industry se liya tha. So everything is almost 75, 9th or 28 वैसे ही हिस्ट्री है. हाँ बेसिकली ऑल दिस इज टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल है. वो लैम्प दिया सर बस. यस एंड दिस इज अगेन मिस्टर वी शांताराम फ्रॉम राजकमल. सो दिस बिलोंग्स टू हिम एंड देन एज अ स्मॉल नो इट हैज़ टू बी रिपेयर. सो थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा उसको. वो अभी मिलता नहीं है वो. सो हम लोग ने ऐसे ही रखा है रिपेयर करने के लिए. वो डिटेल निकालना पड़ता है उस कहाँ कर सकते हैं क्या है. सो दैट बिलोंग्स टू दैट. सो एज इज मेमरी सो वी ट्राई टू कीप ऑल सर्टन थिंग्स लाइक दैट. ये है और ये मेरा छोटा वो अभी इंडस्ट्री से रिटायर भी नहीं है. जो बैक सीट लिया है उसके बाद जो वापस आने के लिए दिया तो सो ये जो मिला है मुझे ये सब. ये बहुत मुश्किल हो गया था. बहुत वजन है. सो दे सेड नहीं हो नहीं सकते हैं तो ऐसे नहीं करके ट्राई करके देना. फिर उसने ट्राई कर दिया और बना के लगा दिया. सो दिस इज एंड यस स्मॉल बुक्स का कलेक्शन है हमारा. और भी है बट फिलहाल इतना इधर डिस्प्ले में है. सो दीज आर ऑल माय बुक्स फ्रॉम माय बोथ द किड्स. दे बोथ आर रीडर्स एंड स्पेशली माय एल्डर वन. और एंड आई एम फाउंड ऑफ बुद्धा. सो दैट्स वन ऑफ द बुद्धा पीस. That's again Rajkamal trademark. शांति प्रिय रहती हैं मुंबई के पेडारोल इलाके में जहां पर आसपास महालक्ष्मी का टेंपल है, हाजी अली दरगाह है, लता मंगेशकर का घर है और मुंबई की जान है. तो शांति प्रिया चेन्नई की रहने वाली है लेकिन शादी के बाद वो मुंबई ऐसी सेटल हुई कि अब यही उनका घर बन गया है. तो चलिए शांति प्रिया के घर के आसपास की जगह देखते हैं और देखते हैं कि उनका घर मुंबई के दिल में है और कैसा है. बारिश का टाइम ये बंद करके रखना पड़ता है नहीं तो इतना ब्रीज से बहुत पानी और बहुत हवा आ जाता है. और ये माँ लक्ष्मी का मंदिर, आगे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और पीछे उसके पीछे माँ लक्ष्मी का मंदिर. और अगर आप देखेंगे तो वो समुंदर का ये भी आपको दिखा.